जब अपने आराध्य की आराधना करने के लिए बैठते हैं तो आराधना करते समय हम कई चीज़ों से गुजरते हैं, जैसे कि भगवान को नहलाना, उन्हें टीका करना, भोग लगाना इत्यादि। इन्हीं सब चीज़ों में एक है भगवान की आरती उतारना। क्या है आरती करने की मुख्य वजह? क्या हम कभी इस ओर ध्यान देते हैं कि पूजा करते समय जिन जिन चीज़ों का हम अनुसरण करते हैं, आखिर उन सब के पीछे क्या वजह है? आखिर हम सब इन प्रक्रियाओं को क्यों करते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं कि क्यों उतारते हैं भगवान की आरती और क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह। जब भी कोई घर में भजन होता है या कोई संत का आगमन होता है या पूजा पाठ के बाद हिंदू धर्म में दीपक को दाएं से बाएं तरफ वृत्ताकार रूप से घुमाकर साथ में कोई वाद्य यंत्र बजाकर अन्यथा हाथ से घंटी या ताली बजाकर भगवान की आरती की जाती है। ये पूजा की विधि में षोडश उपचारों में से एक है। आरती के पश्चात दीपक की लौ के ऊपर हाथ बाएं से दाएं घुमाकर हाथ से आंखों और सिर को छुआ जाता है। दीपक प्रज्वलित करके जब हम देव रूपी ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं तो इससे मन में संशय और भय के अंधकार का नाश होता है। उस लौ को जब हम अपने हाथ से अपनी आंखों और अपने सिर पर लगाकर हम उस ज्ञान के प्रकाश को अपने नेत्र ज्योति से देखने और दिमाग से समझने की दुआ मांगते हैं। आरती के बारे में स्कंद पुराण में चर्चा की गई है कि आरती हिंदू परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है। यज्ञ हवन करने के पश्चात भगवान की आरती की जाती है, जो मुख्यतः एक थाल में दीपक या कपूर जलाकर होती है। आरती की थाली में पुष्प, अक्षत और रोली जैसी सामग्रियां होती हैं। इन सभी चीज़ों का अपनी जगह एक अलग अलग महत्व है। वहीं जितने भाव से आरती गाई जाएगी उतनी ही ज़्यादा यह प्रभावशाली होगी। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।